दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, यानी कि आफ्टर ट्वेल्थ हम कौन सा टीचिंग कोर्स कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको टीचर बनने के लिए जो कोर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बैचलर डिग्री कोर्सेज के बारे में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के बारे में। BSc प्लस BEd ये एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि दो डिग्री वाला प्रोग्राम है जिसे आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल यानी 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं तब आपको BSc प्लस BEd की डिग्री मिलती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप BA प्लस BEd कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 कंप्लीट किया है तो आप BA प्लस BEd कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन होता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो BSc कर सकते हैं, BSc प्लस BEd, या फिर आप BA प्लस BEd कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट बैचलर डिग्री कोर्स की, तो आप BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये कोर्स कर सकते हैं। ये भी कोर्स 4 साल का होता है, इसे आप 10+2 यानी ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में टोटल आपको 8 सेमेस्टर पास करने होते हैं तब आपको BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री मिलती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि टीचिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TAT देना होता है, और उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसमें आपको अप्लाई करना होता है, और उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होता है, तब आपको टीचर का जॉब मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, तो 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट करने के बाद आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED कोर्स आप कर सकते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है, टोटल 4 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं तब आपको DLED का डिप्लोमा मिलता है। इस कोर्स को करने के लिए 12th में आपके कम से कम 50% अंक होने ज़रूरी हैं, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट है डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DEd कोर्स। आफ्टर 12th आप डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DEd कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है तब आपको DEd का डिप्लोमा मिलता है। इस कोर्स को करने के लिए 12th में आपके कम से कम 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि NTT कोर्स आप कर सकते हैं। ये कोर्स 1 से 2 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, आपको जिस प्रकार का टीचर बनना है, जिस लेवल का टीचर बनना है, उससे रिलेटेड आपको कोर्स करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वीडियोज आप देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।